हाय गाइज, और कैसे हो सब दोस्तों? सब बढ़िया होंगे, सब ठीक होंगे और बढ़िया तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, मैं इस बारे में लाया हूँ मनोविज्ञान की जितनी परिभाषा है, मनोविज्ञान की परिभाषाएँ, ओनली परिभाषाएँ, यानी कि सामान्य परिभाषा पढ़ेंगे, स्किनर की परिभाषा पढ़ेंगे, क्रो एंड क्रो की पढ़ेंगे, बोरिंग एंड लेगफील्ड की पढ़ेंगे और ओडवर्थ की भी पढ़ेंगे। तो आप उसको अच्छे से फुल कंसंट्रेंस और धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरी को देखिए दोस्तों, है ना। सामान्य परिभाषा है दोस्तों कि मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार व अनुभव। अब देखो, ध्यान रखना, आपको व्यवहार अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है, व्यवहार अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार एवं व्यवहार, ध्यान रखो, अनुभव भव का विज्ञान है, जो कि सभी परिस्थितियाँ, देखो परिस्थितियाँ सभी की आती हैं उस, है ना, प्राणी में परिस्थितियाँ आती, प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करना है। अपन क्या है? प्राणी तो है अपन भी। तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार अनुभव, जो जीवन की यानी कि लाइफ की जितनी परिस्थितियाँ हैं, है ना, प्राणी में, तो प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करना ही है। क्रो एंड क्रो की बात करते हैं तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। व्यवहार और संबंध, ध्यान रखना आप, व्यवहार संबंध क्रो एंड क्रो, व्यवहार संबंध क्रो एंड क्रो, व्यवहार संबंध करो एंड करो, ठीक है दोस्तों। बोरिंग लेग फील्ड और वेल्ड, बोरिंग लेग फील्ड और वेल्ड क्या कहते हैं? मनोज्ञान प्रकृति का अध्ययन। मनोज्ञान क्या है? एक ओनली जैसे नेचर का अध्ययन, नेचर, नेचर किसने बताया? नेचर का अध्ययन करना बोरिंग, यानी कि बोर हो जाते हैं नेचर का अध्ययन करते करते, लेग फील्ड हो जाते हैं और वेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वेल्डिंग हो जाती है अपनी, और लेग फील्ड हो जाते हैं, लेग यानी अपने टांगे थक जाती है फील्ड में, है ना, लेक फील्ड और वेल्ड और बोरिंग, बोर भी हो जाते हैं प्रकृति का अध्ययन करते करते, इस तरह से ध्यान रखो। उडवर्थ की बात करते हैं तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन। अब देखो, उडवर्थ क्या करते हैं? वातावरण के संपर्क में आते हैं और उनका अध्ययन करने लग जाते हैं, है ना, और क्रियाकलाप करने लग जाते हैं। ये ध्यान रखो दोस्तों, उडवर्थ की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों परिभाषा आती रहती है एग्जाम में। मेक टूगल की बात करते हैं तो आचरण व व्यवहार का यथार्थ, क्या बताया उन्होंने मैकडूगल ने? आचरण, आचरण, ध्यान होना, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, यथार्थ विज्ञान किसने बताया? मैकडूगल ने। गैरिसन एवं अन्य के अनुसार है मनोविज्ञान का जो संबंध है ना, प्रत्यक्ष और मानव व्यवहार से है। किससे हैं? प्रत्यक्ष या डायरेक्ट और मानव, ह्यूमन बिहेवियर से है। क्या बताया गैरिसन ने? ह्यूमन बिहेवियर और मानव का संबंध। पील्स बल्ली की बात करते हैं दोस्तों कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है? मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में। कौन कहते हैं? पील्स बल्ली। और विलियम जेम्स कहते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। किसके रूप में? चेतना के विकास के रूप में। किसने बताया? विलियम जेम्स ने। और एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड की परिभाषा देखते हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड, मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का, मानसिक प्रक्रिया किसने बताया? मेंटल प्रोसेस। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड ने मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन बताया दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी परिभाषाएं मनोविज्ञान की, मैकडूगल, गैरिसन, अन्य, इस तरह की परिभाषाएं, पील्स बल्ली और विलियम जेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड, इस तरह की परिभाषाएं। तो आप इसमें से क्रो एंड क्रो की अच्छे से ध्यान रखना और एग्ज़ाम में फंस सकती है, है ना, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पर ये परिभाषा पूरी निश्चित आएगी दोस्त, है ना। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरा नाम रघुवीर सिंह, और इसी तरह से प्यार बनाए रखें दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, है ना, प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है आपसे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ये थी मनोविज्ञान की सिद्धांत, ये मनोविज्ञान की परिभाषा, ठीक है दोस्तों।